एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्राची वाशने। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन टुडेज़ वीडियो आई विल टेल यू अबाउट यार्न ट्विस्ट। व्हाट इज़ यार्न ट्विस्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यार्न ट्विस्ट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यार्न ट्विस्ट। So yarn twist is a measurement of the spiral turns given to yarn in order to hold the fibers or threads together. As we all know, yarn is used to make different fabrics and to sew the fabric. So इसमें मैं आज मैं बताऊँगी कि twist किस तरीके की होती है। Objective of yarn twisting is to hold the staple fiber together, to increase yarn strength and to increase the evenness. तो जो evenness बनाना है हमने टू मेक द फैब्रिक, तो उसके लिए ट्विस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्ट, वन इज़ एस ट्विस्ट एंड अनदर इज़ जेड ट्विस्ट। सो इन जेड ट्विस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट ऑफ और द स्पायरल ऑफ द यार्न इज पैरेलल टू द सेंटर बार ऑफ द लेटर जेड। सो जो जेड होता है, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका जो मिड वाला जो एरिया होता है उससे पता करते हैं कि किस तरीके की ट्विस्ट प्रोवाइड की जा रही है। सो बेसिकली इन जेड ट्विस्ट वी प्रोवाइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड व्हाट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन विच इट टर्न्स टू द राइट हैंड साइड, लाइक यू कैन सी हियर जो निडल्स हैं वॉच की वो राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं। सो दिस इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड इफ आई से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इफ द निडल्स आर टर्न्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द मोटिव टू टेल यू अबाउट द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज़ यूज इन यार्न ट्विस्ट ऑल्सो। आई विल टेल यू फर्स्ट अबाउट एस ट्विस्ट। सो इन एस ट्विस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्ट ऑफ और स्पायरल ऑफ द यार्न is parallel to the center bar of the letter S, which is clockwise direction. So in this, like I'm twisting this in clockwise direction, like this. So you can see the direction in which I'm turning my hand, right hand side. Okay, so this is S twist. So in this you can see the turns in clockwise direction. Okay, so these are the turns which is in clockwise direction. So next is Z twist. So the direction of the twist or spiral of the yarns is parallel to the center bar of the letter Z, which is in anti-clockwise direction. So I'm twisting the yarn in anti-clockwise direction. So you can see here I'm twisting my hand in left hand side. So this is Z twist. So now you can see the turns twist in the anti-clockwise direction. So in this you can see S and Z twist. So this is, you can see here the spiral and turns in the anti-clockwise direction. So ये जो आपको threads दिख रहे हैं ये anti-clockwise में turn किए गए हैं, ठीक है, in opposite side, in left hand side, these. And in, तो ये वाला twist क्या होगा, Z twist होगा, क्योंकि anti-clockwise direction में twist किया गया है. And this, the second one, is in clockwise direction. So you can see here the spiral and turns in the clockwise direction. So this will called S twist. So ये हो गया Z twist, जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो होगा आपका Z twist. And this is in clockwise direction, जो कि आपका होगा S twist. So I hope S twist and Z twist are both clear to all of you. Thank you so much for watching the video and tell me about this video in comment section.